अनअकैडमी ला रहा है ऑल इंडिया रैंकर समिट फॉर सीएसआईआर यूसी नेट, जो कि होगा आपका मार्च 13th और 14th 2021 को। दो इंसाइटफुल डेज रहेंगे, आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। द वन हु हैव क्रैक्ड इट विल टेल यू हाउ जर्नी टू जेआरएफ, प्रिपरेशन स्टडी, पीएचडी गाइडेंस, कैरियर आफ्टर सीएसआईआर यूसी नेट एंड मोटिवेशनल टॉक, अ लिस्ट ऑफ curated sessions to help you navigate the complexities of the exam with ease. From tips and tricks to preparation strategies, CSIR UCNET toppers chronicling their journeys. The event is especially designed to help you in your journey of cracking CSIR UCNET. So you can register now by using the link given in the description. और एक चीज क्या है यहाँ पे, अनअकैडमी एक्सेलरेट लेके आ रहा है, जहां पे आपके पास चांसेस है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सकते हैं सीएसआईआर यूसी नेट सब्सक्रिप्शन पे। मार्च 14 को संडे 12 से बजे से लेके 1 बजे तक आपका ये वो होगा, टेस्ट होगा, इनरोल आप कर सकते हैं। जहाँ पे आपको फिजिकल साइंसेस के लिए है ये 30 questions, वहां पे आपको मिलेंगे। ये रहा आपका स्ट्रक्चर, रैंक 1-2 ले आते हैं तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलता है, 3-10 75% स्कॉलरशिप, 11-35 50% स्कॉलरशिप, और 36-150 के बीच में आता है तो 25% का आपका स्कॉलरशिप मिलता है। ये है इसके आपके टर्म्स और कंडीशंस, पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, केमिकल साइंसेस के लिए भी सेम चीज है, आपके पास मौका है कि आप इसके लिए भी अगर आप इनरोल करते हैं तो आपके पास मौका है कि आप 100% स्कॉलरशिप जीत सके। सेम स्ट्रक्चर यहाँ पे भी है, रैंक 1-2 100%, 3-10 75%, 11-35 50% और 36-150 25% का स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। ओके, तो आज ही सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं अनअकैडमी प्लस या अनअकैडमी आइकॉनिक, तो आपके पास चांस है कि आप जो भी फाइनल प्राइजिंग होगी उसको आपका एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप यूज करते हैं हमारे चैनल का रेफरल कोड botany10। ओके, तो सारे चीज के डिस्क्रिप्शन आपको इस वीडियो के सारे चीज का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप इनरोल कर सकते हैं। और मेरा रेफरल कोड botany10 यूज करना मत भूलिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी अगेन। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंह। बहुत सारी चीजें हम पहले ही खत्म कर चुके हैं, BHU MSc बॉटनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का जो यूनिट है, मैंने आपको सिलेबस भी सब कुछ प्रोवाइड करा दिया है और उसी पे बेस में आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का आंसर और एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ, जिससे आप जो है क्लियरली सभी का आंसर तो जान ही पाए, साथ में एक्सप्लेनेशन भी आपको पता रहे। और वैसे ही इतने सारे क्वेश्चन रिपीटेड आए हैं, एक दूसरे से रिलेटेड आए हैं, कि आप जब क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके माइंड में सेट हो जाएगा कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ पे कैसे है। तो आज हम शुरू करते हैं माइकोलॉजी, जैसे फंजाई का स्टडी माइकोलॉजी में होता है और प्लांट पैथोलॉजी भी इसमें जुड़ा हुआ है पार्ट फर्स्ट। ओके, द ब्रांच ऑफ बॉटनी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड एज, कह रहा है जो ब्रांच बॉटनी की, वो ब्रांच जो जिसमें हम फंगस का स्टडी करते हैं वो कौन सी कहलाती है। वायरोलॉजी में तो हम वायरस का स्टडी करते हैं, फाइकोलॉजी में हम एल्गी का स्टडी करते हैं, माइकोलॉजी ही है आपका करेक्ट जहां पे हम फंजाई का करते हैं, बैक्टीरियोलॉजी में हम किसका करते हैं, बैक्टीरिया का। तो ये आपका आपको बहुत अच्छे से पता रहा होगा। सेकेंड पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द काजल ऑर्गेनिज्म ऑफ वार डिजीज ऑफ पोटैटो। अब इसमें ये सब कॉमन क्वेश्चन है, आते ही है, कौन सा डिजीज किसके द्वारा होता है ये आपको बताना पड़ता है। ऐसे जितने भी क्वेश्चन रहेंगे जो भी कॉमन है आपको वो एक टेबल बना के रख लेना है आपके पास। ओके, तो वार डिजीज ऑफ पोटैटो किससे होता है, ये सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम एक फंगस है उससे होता है। ठीक, अब थर्ड पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज होलोकार्पिक फंगस, पूछा है आपसे इनमें से कौन सा होलोकार्पिक फंगस है। देखिए दो टर्म्स आते हैं आपके, होलोकार्पिक और एक यूकार्पिक। होलोकार्पिक जो फंगस होते हैं उसका पूरा जो थैलस होता है वो रिप्रोडक्शन के टाइम पे डिफरेंशिएट किस में हो जाता है, रिप्रोडक्टिव स्पोरेंजियम में। वही यूकार्पिक जो फंगस होते हैं उनका पूरा थैलस नहीं, उनके थैलस का कुछ पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में डेवलप होता है, बाकी सारे वेजिटेटिव ही रहते हैं। तो सिनकाइट्रियम जो कि है आपका, और जनरली जो होलोकार्पिक फंगस होंगे ये आपको यूनिसेलुलर ही मिलेंगे, यूजली यूनिसेलुलर होंगे, तो वेजिटेटिव टाइम पे वेजिटेटिव उसमें रहेंगे
और फिर रिप्रोडक्शन के टाइम पे वही सेल, वही उनका थैलस पूरा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। तो वही है यूकार्पिक और होलोकार्पिक। सिनकाइंट्रियम जो है आपका वो क्या है, आपका एक होलोकार्पिक फंगस है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हेन द एंटायर बॉडी ऑफ फंगस इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। प्रीवियस वाला जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, वही है ये भी क्वेश्चन। ठीक, डिफिनेशन ही है ये, मैंने आपको अभी बताया होलोकार्पिक का, कि जब फंगस का पूरा एंटायर बॉडी यूज हो जाए फॉर्मेशन में रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के, तो वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, होलोकार्पिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। उसका अपोजिट क्या है, यूकार्पिक। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। पूछा है आपसे डायकोटोमियोसिटी ब्रांच स्पोरेंजियो 4 इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। डायकोटोमियोसिटी ब्रांच्ड स्पोरेंजियो 4 किसका इनमें से फीचर है, तो देखिए जो भी स्पोरेंजियो 4 होते हैं क्या होते हैं, स्पोरेंजिया बियरिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं, उन्हें हम स्पोरेंजियो 4 बोलते हैं। अब किसी किसी फंगस का ऐसा ही नॉर्मल रहता है, ठीक रैंडम होता है, किसी किसी फंगस का डायकोटोमियस भी होता है, और जो भी आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से परनोस्पोरा जो कि आपका फंगस है ये डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है, इसका जो स्पोरेंजियो 4 होता है वो डायकोटोमियसली ब्रांच रहता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक, ये एक पेपर से मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मतलब डायकोटोमियसली का मतलब एक आया ये दो में डिवाइड हो गया, फिर आगे गया ये भी दो में डिवाइड हो गया, फिर आगे गया ये दो में डिवाइड हो गया, ऐसे से दो 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 दो, दो करके डिविजन होते रहते हैं, इसे हम डायकोटोमियसली ब्रांचिंग बोलते हैं, और ये आपका परनोस्पोरा में मिलता है। ठीक, तो ये चीज आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब आपसे पूछा है ब्रांच कोनिडियो 4 जो है आपको कहां पे देखने को मिलता है, तो ब्रांच कोनिडियो 4 आपको कहां पे देखने को मिलता है, म्यूकर में, क्लेविस्पस पे, परनोस्पोरा में या पक्सीनिया में। तो कोनिडियो 4 वही फिर से कोनिडिया बियरिंग ऑर्गन हो गया, वो ब्रांच्ड हो, किसमें मिलेगा आपको, परनोस्पोरा में ही मिलेगा। ये जो आप ऊपर अभी देखे हैं परनोस्पोरा, ये ब्रांच नहीं है, जहां पे कोनिडिया लगे हुए होते हैं कोनिडिया बियरिंग जो ऑर्गन होते हैं ये ब्रांच रहते हैं, तो ये क्या होगा, ब्रांच कोनिडियो 4 परनोस्पोरा में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। डाउनी मिल्ड्यू ऑफ डिजीज काज किससे होता है, देखिए डाउनी मिल्ड्यू डिजीज है ये परनोस्पोरा के द्वारा ही कॉज होता है, मतलब कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है डाउनी मिल्ड्यूज का, परनोस्पोरा ही है। ठीक, एक चीज आप ये कर लीजिएगा कि जैसे मैंने आपको बताया था कि मिक्सोमाइसीट से कौन कौन से मेंबर है वो लिख लीजिएगा, फिर जो आपका मैस्टिगोमाइकोटिना का, जाइगोमाइकोटिना का, एस्कोमाइकोटिना का, बेसिडियोमाइकोटिना का, वो आप ऐसे कैटेगराइजेशन कर लेंगे, यहाँ पे आप सब लिख लेंगे किसमें माइसिलियम सेप्टेट होता है, किसमें माइसिलियम सेप्टेट होता है, ये सब सारी चीजें तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा, डाउनी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, सब अलग अलग चीजें। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ डाउनी मिल्ड्यू ऑफ पी एंड ग्रेप आर रिस्पेक्टिवली स्पीसीज ऑफ, कह रहा है जो पाउडरी डाउनी मिल्ड्यू का डिजीज होता है पी और ग्रेप का, वो किसके द्वारा होता है, तो देखिए जो पी में डाउनी मिल्ड्यू कॉज करता है वो क्या है, प्लाज्मो पारा विटिकोला के द्वारा होता है, और जो आपका किसमें होता है, ग्रेप्स में होता है, वो परनोस्पोरा वीसी के द्वारा होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो कौन सा हम ऑप्शन चुनेंगे, परनोस्पोरा स्पीसीज एंड प्लाज्मोस्पोरा स्पीसीज रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। पूछा आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्वाटिक फंगस। अब एक्वाटिक फंगस आपको कहां पे मिलेंगे, एक्वाटिक फंगस जहां पे जूस पोर वगैरह रहेगा, तो आप देखेंगे राजस्पोरा, मोशेला और नन ऑफ दीज, तो ऑप्शन हो नहीं सकता, सेप्रोलेग्निया आपका है, ये क्या है, एक्वाटिक फंगस है, कहां पे रहता है ये, एक्वाटिक कंडीशंस में रहता है, इसे क्या बोलते हैं, ये वाटर मोल्ड्स बोलते हैं या कॉटन मोल्ड्स। यहाँ देखिए एक फ्लाई वगैरह कुछ मरा हुआ है, इसके ऊपर एक ग्रो किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 पे हम आते हैं। डाइप्लैनेटिज्म इज एग्जिबिटेड बाय, डाइप्लैनेटिज्म आपने पढ़ा है कुछ कुछ में आपको मिलेगा भाई, ज़ूस्पोरिक फंजाई में, मतलब मैस्टिगोमाइकोटिना वाले मेंबर में ही आपको ये सब डाइप्लैनेटिज्म वगैरह मिलेगा। ठीक, डाइप्लैनेटिज्म एक फिनोमिनन है जहां पे दो मोबाइल स्टेजेस मिलते हैं विद अ पॉज बिटवीन देम, और उनके बीच में एक पॉज रहता है। ठीक, मतलब एक दो डबल डबल आप कह लीजिए ज़ूस्पोर जैसे बनता है, जैसे अगर आप देख लीजिए जैसे ये है, यहाँ पे बना एक ज़ूस्पोर, फिर ये सिस्ट फॉर्मेशन किया, फिर ये जर्मिनेट करके फिर से ज़ूस्पोर बना, तो डबल डबल, एक बार एंटीरियर पोर्शन पे था, एक बार लैटरल पोजीशन पे था, ये डायप्लैनेटिज्म है। फॉर इंस्टेंस सेप्रोलेग्निया में आप देखेंगे कि ज़ूस्पोर रिलीज होता है
जो सिस्ट बनाता है उसके बाद वो जर्मिनेट करता है कुछ टाइम बाद, और फिर वो सेकेंडरी जूस पोर बनाता है। तो दो टाइप के जूस पोर इसमें आपको मिलते हैं, यही क्या है आपका डाइप्लैटेनिज्म है। नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू पेरेनोस्पोरेज, पूछ रहा है इनमें से कौन सा पेरेनोस्पोर से नहीं बिलोंग करता है। तो देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप ओमाइसीट्स के मेंबर पढ़ते हैं मैस्टिगोमाइकोटिना में, ओमाइसीट्स के मेंबर जो ओमाइसीट्स हैं उसको मार्टिन ने चार ऑर्डर में डिवाइड किया है, सेप्रोलैग्निएस, लेप्टोमिटेस, लैगेनिडेस एंड पेरनोस्पोरेस। वहीं स्पायरो ने 1976 में क्लासिफिकेशन किया था उन्हें ओमाइसीट्स का, उन्होंने वहां पर सिक्स ऑर्डर बताए थे, यूरिकैसमेस, सेप्रोलैग्निएस, लैगेनिडेस, पेरनोस्पोरेस और क्या ये टीरास्टो काइट्रीएस और लेबिरिंथुलेल्स। अब क्या है कौन सा इसमें से पेरनोस्पोरेस से बिलोंग नहीं करता है। तो अगर आपको ऑर्डर भी याद होता है कि सेप्रोलेग्नियस करके कुछ ऑर्डर होता है, तो सेप्रोलेग्नियस भाई उसी से बिलोंग करेगा ना। बाकी ये करेक्ट भी है, पाइथियम पाइथोथोरा एल्बिगो क्या होता है ये पेरनोस्पोरेस से बिलोंग करते हैं भाई, जो सेप्रोलेग्नियस है आपका सेप्रोलेग्नियस से बिलोंग करता है ये। क्वेश्चन नंबर 12 पे हम आते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट नॉट अफेक्टेड बाय एल्बिगो, कह रहा है कौन सा पार्ट एल्बिगो द्वारा अफेक्टेड नहीं होता है। एल्बिगो आप किसमें पढ़ते हैं, एल्बिगो आप इसी ओमाइसीट्स के पेरनोस्पोरेस ऑर्डर से बिलोंग करता है। एल्बिगो क्या कॉज करता है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। अब ये डिजीज क्या आपको रूट्स में देखने को मिलता है, नहीं, ये केवल जो है एल्बिगो एरियल पार्ट्स को ही क्या करता है डिजीज कॉज करता है, उसी को इन्फेक्ट करता है, जैसे स्टेम हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, रूट्स को वो टच नहीं करता है। तो कौन सा पार्ट नहीं अफेक्टेड रहेगा, रूट। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज असेप्टेड माइसीलियम, ये भी आप इजिली गेस कर सकते हैं, एस्परजिलस, एगारिकस, पक्सिनिया, एल्बिगो। अब देखिए जो आपका एस्परजिलस है ये इसको माइकोटिना से बिलोंग करता है, वही जो एगारिकस और पक्सिनिया है ये बेसिडो माइकोटिना से बिलोंग करता है। अब आप देखेंगे जब आपको बेसिक कैरेक्टर पता होगा क्लासिफिकेशन का, तो इसको माइकोटिना और बेसिडो माइकोटिना में क्या होता है, सेप्टेट माइसीलियम होता है। तो बचा क्या आपका एल्बिगो, जो आपका किससे बिलोंग करता है, मैस्टिगो माइकोटिना से, और वहां पर मैस्टिगो माइकोटिना के मेंबर में आपको क्या मिलता है, असेप्टेट माइसीलियम मिलता है। तो एल्बिगो करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। अथिक वॉल्ड स्पोर डेवलप इन किसमें, आपको थिक स्पोर, थिक वॉल्ड ऊ स्पोर मिलता है, ऊ स्पोर समझ रहे हैं ना, फर्टिलाइजेशन के बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो बनता है वो स्पोर होगा, वहां पे थिक वॉल्ड किसमें आपने पढ़ा है। तो साइट्रस कैंकर एक डिजीज है जो कि साइट्रस स्पीसीज को अफेक्ट करता है, जेंथोमोनास सिट्राइस सब स्पीसीज सिट्राइस से कॉज होता है। इसके लाइफ साइकिल में आपको स्पोर थिक वॉल्ड स्पोर नहीं मिलता, ना तो आपको कॉमन बंट में मिलता है, बंट ऑफ वीट, जो किसके द्वारा होता है, टिलिटिया कैरीज या टिलिटिया लेविस से। वह आप लिटिल लीट ऑफ ब्रिंजल की बात कर लेते हैं, तो ये एक माइकोप्लाज्मल डिजीज है, इसमें भी आपको थिक वॉल्ड स्पोर नहीं मिलता है। ठीक, करेक्ट आंसर क्या है इसका, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो किसके द्वारा कॉज होता है, एल्ब्यूगो के द्वारा कॉज होता है। अगर जब आप एल्ब्यूगो का लाइफ साइकिल पढ़ते हैं तो जो उसका स्पोर होता है वहां पर डबल या ट्रिपल लेयर होता है वॉल, जिससे वो थिक वॉल्ड रहता है। ठीक, यहाँ पर माइकोलॉजी लिखा है, पर यहाँ पे क्या होगा, बी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं जो कि लास्ट है इस वीडियो का। द फ्लैजला ऑफ जूस पोर्स ऑफ एल्बिगो आर, अब आपसे देखिए एल्बिगो से ही आया वो क्वेश्चन है, आपसे उसके फ्लैजला के बारे में पूछ रहा है। तो जो उसका एल्बिगो का जूस पोर रहता है, पूछा है आपका उसका फ्लैजला कैसे होता है, टर्मिनल पोजिशन पे रहता है, फर्स्टली या लेटरल पोजिशन पे रहना है, ये आपको पता करना है। अब आप देखेंगे जो एल्बिगो का जूस पोर होता है किडनी शेप्ड होता है, तो किडनी शेप्ड आप साफ समझ गए, जहाँ पे वो थोड़ा सा ग्रूव टाइप का रहता है वहीं से दो फ्लैजला निकला रहता है, वो इक्वल नहीं होते, वो अनइक्वल होते हैं, तो अनइक्वल लैटरल होता है एल्बिगो में। ये था आपका फर्स्ट पार्ट फंजाई का, मैंने इसमें 15 क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, ये भी जल्दी खत्म हो जाएंगे क्योंकि जो सबसे बड़ा पार्ट था इकोलॉजी वो मैं खत्म कर चुका हूँ, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, और भी सारे मैं करता जा रहा हूँ, बायोकेमिस्ट्री खत्म कर दिया, एनाटॉमी वगैरह सबका स्टार्टिंग हो चुका है, ऐसे मैं सारा कवर कर दूंगा एक डेढ़ महीने के अंदर, आपका पेपर से पहले सब कुछ हो जाएगा। आप ये वीडियो देख रहे थे आपके चैनल मास्टर्स ऑफ बॉटनी पे, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ही रेगुलर वीडियोस आपको लगातार आपके पास नोटिफिकेशन आता रहेगा, और मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड कराता हूँ लेक्चर के बाद, नोट्स भी, तो वो भी आपको मिलता रहेगा। तो चलता हूँ मैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।